हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, हमें एसिड्स और बेसिस में डिफरेंसेस बताने हैं। तो जो पहला डिफरेंस है एसिड्स और बेसिस में वो है एसिड्स आर सोर, एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं, बेसिस आर बिटर, जबकि बेसिस टेस्ट में कड़वे होते हैं। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, जो एसिड्स होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, और जो बेसिस होते हैं स्टूडेंट्स ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। एसिड्स के एग्जाम्पल्स है कर्ड, विनेगर एंड लेमन जूस, जबकि बेसिस के एग्जाम्पल्स है बेकिंग सोडा, सोप एंड लाइम वाटर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स, घरों में यूज होने वाली बहुत सी चीजों में अमोनिया पाया जाता है, जैसे कि विंडो क्लीनर, ये लिक्विड होता है जिससे कि विंडोज को साफ किया जाता है, इसमें भी अमोनिया पाया जाता है। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, और जो अमोनिया होता है स्टूडेंट्स ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। व्हाट इज इट्स नेचर, हमें बताना है अमोनिया का नेचर क्या है, ये एसिडिक है या बेसिक है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। और यहां हमसे कहा भी गया है कि जो अमोनिया होता है ये भी रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, इसका मतलब जो अमोनिया है वो भी क्या हुआ, वो भी एक बेस हुआ। सो नेचर ऑफ अमोनिया इज बेसिक, क्योंकि अमोनिया रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक बेस है, क्योंकि बेस ही रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेंड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में एक तो हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि लिटमस सॉल्यूशन हमें कहां से मिलता है, और उसके बाद हमें यह बताना है कि लिटमस सॉल्यूशन का यूज क्या है। अब यहां पर आप ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो लिटमस होता है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स की मदद से हम एसिड्स और बेस में डिफरेंस कर सकते हैं। और नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे कि लिटमस सॉल्यूशन ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो देखिए यहां आंसर में हमने लिखा है लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेंड फ्रॉम लाइकेंस। लिटमस सॉल्यूशन हमें कहां से मिलता है, लाइकेंस से मिलता है। लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस स्टूडेंट्स सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगस के बीच, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगस एक साथ मिलकर रहते हैं और इसी को हम लाइकेन कहते हैं, और इन्हीं से हमें लिटमस सॉल्यूशन मिलता है जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। लिटमस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है ये पता करने के लिए कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। When added to an acidic solution, blue litmus turns red. जब एक ब्लू लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ब्लू लिटमस चेंज हो जाता है रेड में। एंड When added to a basic solution, red litmus turns blue. और जब एक रेड लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो रेड लिटमस चेंज हो जाता है ब्लू में। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो सब्सटेंस हम चेक कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर कोई सब्सटेंस ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है स्टूडेंट्स तो वो सब्सटेंस एसिडिक होता है, और अगर कोई सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है तो वो सब्सटेंस बेसिक होता है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है क्या वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है, एक तो हमें ये पता करना है, और उसके बाद कहा गया है हाउ वुड यू वेरीफाई इट, और आप ये कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो यहां पर आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ये न्यूट्रल होता है,
ना तो ये एसिडिक होता है और ना ही ये बेसिक होता है। अगर आप डिस्टिल्ड वाटर को रेड लिटमस के साथ चेक करते हैं तो ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज नहीं करेगा, और अगर आप इसको ब्लू लिटमस के साथ चेक करते हैं तो ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब डिस्टिल्ड वाटर का ना तो रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट पड़ता है ना ब्लू लिटमस पे, तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो न्यूट्रल होता है। देखिए यहां पर यही लिखा गया है, डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है। डिस्टिल्ड वाटर हैज नो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। डिस्टिल्ड वाटर का ना तो ब्लू लिटमस पे कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ना तो ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, तो ये क्या हुआ, ये न्यूट्रल हुआ। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ इधर रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। तो डिस्टिल्ड वाटर क्योंकि न्यूट्रल है तो ये कलर चेंज नहीं करता, ना तो ये रेड लिटमस का कलर चेंज करता है ना ही ये ब्लू लिटमस का कलर चेंज करता है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है एक एग्जाम्पल की मदद से। अब यहां पर आप एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। जब हम एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो एसिड और बेस के आपस के में मिलने से जो रिएक्शन होता है उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। और एसिड और बेस को जब मिलाया जाता है और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो इससे क्या बनता है, इससे एक तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, और इसमें हीट भी इवॉल्व होती है यानी हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब देखिए यहां पर आंसर में यही लिखा गया है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के मिलने से जो रिएक्शन होता है इसी को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। और जब एसिड और बेस को आपस में मिलाया जाता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो इसके रिजल्ट में सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है और हीट भी इवॉल्व होती है यानी कि हीट भी प्रोड्यूस होती है। देखिए यहां पर ये रिएक्शन आपको बताया गया है कि एसिड प्लस बेस अगर आप करेंगे तो इसके रिजल्ट में एक तो सॉल्ट मिलेगा आपको, प्लस वाटर भी मिलेगा आपको और हीट भी इवॉल्व होगी। और यहां पर ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। देखिए यहां पर पहले तो एक एसिड लिया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, उसमें ऐड किया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH को। ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो जब ये एसिड और ये बेस आपस में मिलेंगे रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले तो आपको सॉल्ट मिलेगा। यहाँ कौन सा सॉल्ट मिला, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, प्लस वाटर भी बनेगा यानी कि H2O, और इसके अलावा इसमें से हीट भी इवॉल्व होगी यानी हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो यहां पर हमने सीखा स्टूडेंट्स कि जब एसिड्स और बेस को आपस में मिलाया जाता है, जब ये रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और एसिड और बेस के रिएक्ट करने से सोल्ट बनता है, वाटर बनता है और हीट भी इवॉल्व होती है यानी कि हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे कहा गया है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है स्टूडेंट्स, हमें चेक करना है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। तो पहली स्टेटमेंट यहां पर हमें गिवन है, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, यानी कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। हम ये बात जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो एसिड्स होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, लेकिन यहां पर हमें क्या दिया गया है कि नाइट्रिक एसिड रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम यहां पर लिखेंगे फॉल्स। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। हम ये बात जानते हैं स्टूडेंट्स कि जितने भी बेस होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, लेकिन यहां पर हमें क्या दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स। इसके बाद हम थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड
न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहां पर हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और क्या बनाते हैं, एक तो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। अब यहां पर आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और ये सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो यहां पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो एक एसिड हुआ, तो जब ये बेस और एसिड आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रू। अब हम फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशंस। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड्स के साथ अगर आप टेस्ट करें तो डिफरेंट कलर शो करता है और बेसिक सॉल्यूशंस के साथ अगर आप टेस्ट करें तो डिफरेंट कलर शो करता है। और हम ये बात जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो इंडिकेटर्स होते हैं ये एसिड्स और बेसिक्स के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए ही यूज किए जाते हैं। और ये डिफरेंस हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिड्स के साथ डिफरेंट कलर शो करते हैं और बेसिक्स के साथ डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रू। इसके बाद हम फिफ्थ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। यहां पर हमसे ये कहा गया है कि जो टूथ डीके होता है, जो हमारे दांत खराब हो जाते हैं, दांत सड़ जाते हैं या दांतों में कैविटी हो जाती है, इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। ये किसकी वजह से होता है, ये बेस की वजह से होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे दांत जो खराब होते हैं वो बेस की वजह से खराब नहीं होते, वो एसिड की वजह से खराब होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, डोरजी हैज अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। डोरजी के रेस्टोरेंट में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स पड़ी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। लेकिन उनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ है। ही हैज टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। और कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से डोरजी को ये ड्रिंक्स सर्व करनी है उनको। वन कस्टमर वॉन्ट्स एसिडिक ड्रिंक, एक कस्टमर ने डिमांड की एसिडिक ड्रिंक की। अनदर वॉन्ट्स बेसिक ड्रिंक, दूसरे कस्टमर ने बेसिक ड्रिंक की डिमांड की। एंड थर्ड वन वॉन्ट्स न्यूट्रल ड्रिंक, और तीसरे कस्टमर ने न्यूट्रल ड्रिंक मांगी है। हाउ विल डोरजी डिसाइड विच ड्रिंक इज टू बी सर्व्ड टू होम। तो डोरजी ये कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी बोतल में एसिडिक सॉफ्ट ड्रिंक है, कौन सी बोतल में बेसिक सॉफ्ट ड्रिंक है और कौन सी बोतल में न्यूट्रल सॉफ्ट ड्रिंक है, ताकि कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से वो सही सॉफ्ट ड्रिंक उनको दे सके। अब हम इसका आंसर देखते हैं। डोरजी कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। डोरजी ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी बोतल में किस तरह की सॉफ्ट ड्रिंक है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उसके लिए वो किसकी मदद लेगा, लिटमस पेपर की। अब देखिए स्टूडेंट्स, द ड्रिंक विच वुड टर्न रेड लिटमस ब्लू वुड बी बेसिक। जो सॉफ्ट ड्रिंक रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगी वो कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक होगी, वो बेसिक सॉफ्ट ड्रिंक होगी, क्योंकि जो बेस होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, द ड्रिंक विच वुड टर्न ब्लू लिटमस रेड वुड बी एसिडिक। और जो सॉफ्ट ड्रिंक ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगी वो एसिडिक सॉफ्ट ड्रिंक होगी, क्योंकि जो एसिड होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। इसके बाद देखिए, द ड्रिंक विच वुड नॉट अफेक्ट बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस वुड बी न्यूट्रल। यानी कि वो सॉफ्ट ड्रिंक जिसका रेड लिटमस पे और ब्लू लिटमस पे दोनों पर ही कोई असर नहीं होगा, ना तो ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगी और ना ही ब्लू लिटमस को रेड में, ये कैसे सॉफ्ट ड्रिंक होगी, ये न्यूट्रल सॉफ्ट ड्रिंक होगी। अब हम एट्थ क्वेश्चन करेंगे। एट्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एक्सप्लेन व्हाई, और ए पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स, एन एंटासिड टेबलेट इज टेकन वेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। यानी हमें ये एक्सप्लेन करना है कि हम एंटासिड टेबलेट क्यों लेते हैं जब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अब इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि जब हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें जलन मचती है, परेशानी होती है, तो उस केस में हम एंटासिड्स की टेबलेट्स लेते हैं। एंटासिड्स
बेस होता है, और जब ये बेस भी हमारे पेट में जाता है तो ये उस एसिड के साथ रिएक्ट करता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि उस एसिड के असर को खत्म कर देता है और इससे हमें आराम मिलता है। अब देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है, एंट एसिड्स आर बेसिस। एंट एसिड्स क्या होते हैं? ये बेस होते हैं। वेन देयर इज एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक, एंट एसिड्स आर टेकन। जब हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तब हम एंट एसिड्स लेते हैं, यानी एंट एसिड्स की टेबलेट्स लेते हैं। एंट एसिड्स न्यूट्रलाइज एसिड्स एंड रिलीव्स अस। और जो ये एंट एसिड होता है, यानी ये जो बेस होता है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके असर को खत्म कर देता है और हमें इससे आराम मिलता है। अब हम बी पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। बी पार्ट में हमें एक्सप्लेन करना है, कैलेमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। जब हमें चींटी काटती है तो हम अपनी स्किन पे जहां पर चींटी ने काटा होता है उस जगह पे कैलेमाइन सॉल्यूशन क्यों लगाते हैं? अब इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। जब कोई चींटी हमें काटती है तो वो हमारी स्किन में एक एसिड डाल देती है जो कि फॉर्मिक एसिड होता है, जिससे कि हमें जलन का एहसास होता है। ठीक है, इस जलन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर जहां पर चींटी ने काटा होता है उस जगह पे कैलेमाइन सॉल्यूशन लगाते हैं। कैलेमाइन सॉल्यूशन बेस होता है, तो जब ये बेस इस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी इसके असर को खत्म कर देता है, जिससे हमारी जलन भी खत्म हो जाती है और हमें आराम मिलता है। अब देखिए यहां पर यही बताया गया है, एंट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड यानी कि फॉर्मिक एसिड इन टू द स्किन ऑन बाइटिंग विच कॉजेज बर्निंग सेंसेशन। जब कोई चींटी हमें काटती है तो ये एक एसिडिक लिक्विड जो कि फॉर्मिक एसिड होता है वो हमारी स्किन में डाल देती है, जिससे कि हमें जलन का एहसास होता है, यानी बर्निंग सेंसेशन फील होता है। कैलेमाइन सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, और जो कैलेमाइन सोल्यूशन होता है ये बेसिक होता है। इट कंटेन्स जिंक कार्बोनेट विच इज अ बेस। कैलेमाइन सोल्यूशन में स्टूडेंट्स जिंक कार्बोनेट होता है जो कि बेस होता है, इसीलिए कैलेमाइन सोल्यूशन भी बेसिक होता है। कैलेमाइन सोल्यूशन न्यूट्रलाइजेज द एसिड इफेक्ट ऑफ एंट बाइट व्हेन अप्लाइड ऑन द स्किन एंड रिलीव्स अस फ्रॉम द पेन। और जब हम इस कैलेमाइन सॉल्यूशन को स्किन पे उस जगह पे लगाते हैं जहां की चींटी ने काटा होता है तो यह उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, उसके असर को खत्म कर देती है, जिससे कि हमें आराम मिलता है और वो जलन खत्म हो जाती है। अब हम सी पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। सी पार्ट में हमें एक्सप्लेन करना है, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इन टू वॉटर बॉडीज। फैक्ट्री वेस्ट को वॉटर बॉडीज में डालने से पहले, यानी कि नदियों में, झीलों में या नहरों में डालने से पहले न्यूट्रलाइज्ड क्यों किया जाता है? अब इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उसमें एसिड होता है। अगर हम इस फैक्ट्री वेस्ट को जिसमें कि एसिड है डायरेक्ट वाटर बॉडीज में डाल देंगे, जैसे कि नदियों में, झीलों में, झील यानी कि लेक्स या फिर तालाब में, आप वाटर बॉडीज में अगर इस वेस्ट को डायरेक्ट डाल देते हैं तो इसमें जो एसिड होता है उसकी वजह से जो ये पानी होगा इन वाटर बॉडीज का वो पोल्यूट हो जाता है और ये बहुत हार्मफुल होता है वाटर बॉडीज में रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, तो किया क्या जाता है कि वाटर बॉडीज में डालने से पहले ये जो फैक्ट्री वेस्ट होता है इनको रिएक्ट करवाया जाता है बेसिक सब्सटेंसेस के साथ। और ये बेसिक सब्सटेंस क्या करते हैं, ये इस एसिड को जो कि इस फैक्ट्री वेस्ट में जो ये एसिड होता है इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे कि इनका असर खत्म हो जाता है और उसके बाद इनको फिर वाटर बॉडीज में डाला जाता है ताकि इनसे कम से कम नुकसान हो। अब यहां पर देखिए यही लिखा गया है, द वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। फैक्ट्रीज के जो वेस्ट होते हैं उनमें एसिड होता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लोट इन टू द वॉटर बॉडीज, अगर इनको ऐसे ही वॉटर बॉडीज में छोड़ दिया जाए, डाल दिया जाए, द एसिड विल हार्म द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो जो पानी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी पानी के जीव जंतु या उनके जो पेड़ पौधे होते हैं उनको बहुत हार्म पहुंचता है, बहुत हानि पहुंचती है। देयर फोर द फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर डिस्पोजिंग दैम इन टू वॉटर बॉडीज। तो ये जो फैक्ट्री वेस्ट होते हैं इनको वॉटर बॉडीज में डालने से पहले इनके साथ बेसिक सब्सटेंस को ऐड किया जाता है। ये बेसिक सब्सटेंस ये जो वेस्ट के अंदर एसिड होता है इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इनके असर को खत्म कर देते हैं ताकि जो वॉटर बॉडीज होती हैं उनको कम से कम नुकसान हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। 9th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, थ्री लिक्विड्स आर गिवन टू यू, आपको तीन लिक्विड्स दिए गए हैं।
वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें से एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा जो लिक्विड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एंड थर्ड इज शुगर सोल्यूशन, और जो तीसरा लिक्विड है वो शुगर सोल्यूशन है। याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड हुआ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, और जो शुगर सोल्यूशन होता है ये न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, यानी ना तो ये एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, आप इन तीनों को कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि इनमें से कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर, और इसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आपके पास एक इंडिकेटर भी अवेलेबल किया गया है, और आपको कहा गया कि आप सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। यानी टर्मरिक इंडिकेटर का यूज करके आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लिक्विड एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। यहां पर आपको ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जो टर्मरिक इंडिकेटर होता है इसका कलर येलो होता है। जब आप टर्मरिक इंडिकेटर के साथ बेस को ऐड करते हैं तो टर्मरिक इंडिकेटर का जो येलो कलर होता है ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप टर्मरिक इंडिकेटर के साथ एसिडिक सॉल्यूशन या न्यूट्रल सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो इनसे टर्मरिक इंडिकेटर के येलो कलर पे कोई चेंज नहीं आता, ये येलो ही रहता है। अब देखिए यहां पर यही लिखा है, टर्मरिक इज येलो इन कलर, टर्मरिक इंडिकेटर का कलर येलो होता है व्हेन अ बेस इज एडेड टू इट, और जब टर्मरिक इंडिकेटर के साथ बेस को ऐड किया जाता है द सॉल्यूशन टर्न्स इनटू रेड कलर, तो टर्मरिक इंडिकेटर का जो येलो कलर है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। टर्मरिक रिमेन्स येलो व्हेन एन एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन इज एडेड टू इट, लेकिन जब इस टर्मरिक इंडिकेटर में एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन ऐड किया जाता है तो इसका येलो कलर येलो ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमसे कहा गया है कि हमें तीन लिक्विड्स गिवन हैं, जिसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि बेस है, और एक तीसरा लिक्विड है शुगर सॉल्यूशन जो कि न्यूट्रल है, और हमें टर्मरिक इंडिकेटर का यूज करके चेक करना है कि इनमें से कौन सा लिक्विड एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। तो अब देखिए यहां पर हमने लिखा है, वी शैल परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन इज बेस एसिड और न्यूट्रल। अब हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे ये पता करने के लिए कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा है, टेक फ्यू ड्रॉप्स फ्रॉम ईच सॉल्यूशन एंड टेस्ट इट विद टर्मरिक सॉल्यूशन। आप तीनों ही लिक्विड के कुछ ड्रॉप्स आप ले लीजिए और उनको टर्मरिक सॉल्यूशन के साथ अब आपने टेस्ट करना है। इफ द सॉल्यूशन टर्न्स इनटू रेड कलर दैट सॉल्यूशन इज बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि आपके पास जो तीन लिक्विड्स हैं आपने उन तीनों ही लिक्विड्स के कुछ ड्रॉप्स अलग अलग इकट्ठे कर ली, और उसमें से एक लिक्विड के ड्रॉप्स जब आपने टर्मरिक इंडिकेटर पे डाली तो आपने देखा कि वो टर्मरिक इंडिकेटर का जो येलो कलर है वो रेड में चेंज हो गया। अब टर्मरिक इंडिकेटर का येलो कलर रेड में कब चेंज होता है, जब टर्मरिक इंडिकेटर के साथ बेस को ऐड किया जाता है। इसका मतलब ये जो आपने ड्रॉप्स डाली थी जिसकी वजह से टर्मरिक इंडिकेटर का येलो कलर रेड में चेंज हो गया, ये कौन से लिक्विड के ड्रॉप्स थे, ये बेसिक लिक्विड के ड्रॉप्स थे, यानी ये बेस था। और यहां पर हमें कौन सा बेस दिया गया है, यहां पर हमें बेस दिया गया है क्वेश्चन में सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हमारे पास जो तीन लिक्विड्स गिवन थे उसमें से एक की पहचान हम कर चुके हैं कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी के बेस है। अब हम देखेंगे बाकी के बचे हुए दो सॉल्यूशन की पहचान हम कैसे करेंगे। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहां पर लिखा है, टेक अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस सॉल्यूशन एंड सेकेंड सॉल्यूशन। अब उसमें आप एक तो बेस सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए। बेस सॉल्यूशन कौन सा, जो अभी हमने चेक किया था कि जो तीन लिक्विड्स हमारे पास है उसमें से एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि बेस है, इसमें से कुछ ड्रॉप्स लीजिए और उस टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए, और बाकी बचे हुए दो लिक्विड्स में से किसी एक लिक्विड की कुछ ड्रॉप्स भी आप इसी टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। चेक इफ टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म एंड देन एड टर्मरिक सॉल्यूशन टू इट। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि इसके बाद आपको चेक करना है कि जो टेस्ट ट्यूब है अगर वो वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो दूसरे लिक्विड की हमने ड्रॉप्स डाली हैं वो दूसरा लिक्विड एसिडिक है,
ये हमें कैसे पता चल रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो पहले हमने ड्रॉप्स डाली थी वो हमें पता था कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की है, यानी बेस की है, और जो दूसरा लिक्विड है उसका अभी हमें नहीं पता। उसकी ड्रॉप्स जब हमने डाली तो हमने देखा कि टेस्ट ट्यूब वार्म हो गई, यानी कि गर्म हो गई। देखिए, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं स्टूडेंट्स, तो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और जब न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड और बेस के मिलने से, तो हीट इवॉल्व होती है, यानी कि हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर क्योंकि हीट प्रोड्यूस हुई है, तो हम ये समझ जाएंगे कि पहला सॉल्यूशन तो हम जानते हैं कि बेसिक है, तो दूसरा सॉल्यूशन क्या हुआ, वो एसिडिक हुआ, क्योंकि एसिड और बेस के मिलने से ही न्यूट्रलाइजेशन होता है और इसी वजह से हीट इवॉल्व होती है। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना स्टूडेंट्स कि जब एसिड और बेस को आपस में मिलाया जाता है और ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो जो नया सॉल्यूशन तैयार होता है एसिड और बेस के मिलने से, वो ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। एंड देन एड टर्मरिक सॉल्यूशन टू इट। और अब इस नए सॉल्यूशन में जिसमें एसिड और बेस दोनों ही मिले हुए हैं, अगर आप इसमें टर्मरिक सॉल्यूशन डाल देंगे तो क्या होगा, इफ द कलर डज नॉट चेंज। अब देखिए, यहां पर ऑलरेडी आप जानते हैं कि आपने एसिड और बेस को मिलाया है, तो नया सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया। तो जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वो टर्मरिक इंडिकेटर के साथ किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं दिखाता, यानी कि टर्मरिक इंडिकेटर के कलर में किसी तरह का चेंज नहीं आता अगर उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ ऐड किया जाए। तो जब ये नया सॉल्यूशन जो बना एसिड और बेस के मिलने से, जब आपने इसमें टर्मरिक सॉल्यूशन डाला, तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स द सोल्यूशन एडेड इज एसिडिक। इसका मतलब जो पहले ऑलरेडी हमें पता है कि एक सोल्यूशन बेस है, उसमें आपने जो नया सोल्यूशन डाला है, जो सोल्यूशन आपने एड किया है, इससे हम समझ जाएंगे कि ये एसिडिक है। और यहां पर एसिडिक सोल्यूशन कौन सा गिवन है हमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी के HCl। तो इस तरीके से यहां पर हमने दो निशानियां देखी, दो ऐसी पहचान देखी जिससे कि हमें पता लगा कि ये दूसरा लिक्विड एसिडिक था। उसमें एक निशानी तो ये थी स्टूडेंट्स कि पहला लिक्विड हमारा बेसिक था, उसमें जब नया लिक्विड हमने डाला तो वो सॉल्यूशन वार्म हो गया, टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई। ये तभी होता है जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, इससे पता चला कि दूसरा लिक्विड एसिडिक है, और इससे जो नया सॉल्यूशन तैयार हुआ वो न्यूट्रल हुआ। और जब इस न्यूट्रल सॉल्यूशन में हमने टर्मरिक सॉल्यूशन डाला, तो टर्मरिक सॉल्यूशन के येलो कलर में कोई चेंज नहीं आया। ये भी इस चीज को बताता है कि जो नया सॉल्यूशन आपने डाला था वो एसिडिक था, जिसने उस बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिलकर उसे न्यूट्रलाइज कर दिया, और अब जो ये नया सॉल्यूशन बन गया है ये न्यूट्रल है। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स के जो आपने दूसरे सॉल्यूशन के ड्रॉप्स डाली थी बेस सॉल्यूशन के साथ, अगर उस केस में टेस्ट ट्यूब वार्म नहीं होती, यानी कि वो गर्म नहीं होती, तो इसका क्या मतलब होता कि वो जो दूसरा सॉल्यूशन आपने मिक्स किया है वो न्यूट्रल है, क्योंकि जब बेस के साथ न्यूट्रल सॉल्यूशन को डाला जाता है तो ये किसी तरह का रिएक्शन नहीं करते, किसी तरह की हीट इवॉल्व नहीं करते, और टेस्ट ट्यूब भी गर्म नहीं होती। तो देखिए, यहां पर यही लिखा गया है, इफ द टेस्ट ट्यूब ऑफ द अबव सॉल्यूशन डज नॉट वार्म। अगर आपने बेस सॉल्यूशन के साथ जो दूसरे लिक्विड की ड्रॉप डाली, अगर उस केस में टेस्ट ट्यूब गर्म नहीं होती, एंड इट शोज रेड कलर व्हेन टर्मरिक इज एडेड। और अगर आप इस नए सॉल्यूशन में टर्मरिक सॉल्यूशन डालते तो वो रेड कलर ही शो करता, तो इसका मतलब क्या होता कि वो जो दूसरा सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। अब जो ये नया सॉल्यूशन बना है स्टूडेंट्स, ये टर्मरिक सॉल्यूशन के साथ रेड कलर क्यों शो करेगा, अब इसको ध्यान से समझिएगा कि जो पहले हमने ड्रॉप्स डाली थी वो तो हमें कंफर्म था कि वो बेस सॉल्यूशन है, और उसके साथ जो हमने ये दूसरे लिक्विड की ड्रॉप्स डाली, जब हम देखते हैं कि इसमें कोई हीट इवॉल्व नहीं हुई, इसका मतलब ये दूसरा जो लिक्विड है जिसकी ड्रॉप्स हमने डाली है वो न्यूट्रल है। और जब न्यूट्रल सॉल्यूशन को बेस सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं तो किसी तरह का रिएक्शन नहीं होता, और जो नया सॉल्यूशन तैयार हो जाता है वो भी बेसिक ही होता है, क्योंकि बेस के साथ अगर आप न्यूट्रल सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो नया सॉल्यूशन बेसिक ही रहेगा। और जब आप बेसिक सॉल्यूशन के साथ टर्मरिक इंडिकेटर को ऐड करके चेक करते हैं, तो टर्मरिक इंडिकेटर का जो येलो कलर है वो बेसिक सॉल्यूशन की वजह से रेड में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि जो बेस के साथ हमने नया सॉल्यूशन ऐड किया है वो न्यूट्रल है। और इस क्वेश्चन में हमें जो न्यूट्रल सॉल्यूशन गिवन था स्टूडेंट्स,
वो कौन सा सॉल्यूशन था? वो था शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब इस केस में जो हमने दूसरा सॉल्यूशन ऐड किया है वो शुगर सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा स्टूडेंट्स कि टर्मरिक इंडिकेटर का यूज करके आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है और कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे स्टूडेंट्स। 10th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन में डिप किया गया, डाला गया। इट रिमेन्स ब्लू, और वो ब्लू ही रहा, यानी उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? अब हमें बताना है कि वो जो सॉल्यूशन है उसका नेचर क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। एक्सप्लेन। अब यहां पर आपने ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करते हैं तो जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर के कलर को रेड में चेंज कर देता है। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को अगर बेसिक सॉल्यूशन या न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ चेक किया जाए, ऐड किया जाए, तो ब्लू लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आता और वो ब्लू ही रहता है। और यहां पर हमसे यही कहा गया है कि जो ब्लू लिटमस पेपर है जब उसको सॉल्यूशन में डाला गया तो उसका कलर ब्लू ही रहा, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब वो सॉल्यूशन या तो बेसिक रहा होगा या न्यूट्रल रहा होगा। अब देखिए यहां पर यही कहा गया है, इफ अ ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन रिमेन्स ब्लू। अगर ब्लू लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डाला जाए और वो ब्लू ही रह जाए, यानी उसके ब्लू कलर में कोई चेंज ना आए, इट शोज, तो ये दिखाता है द सॉल्यूशन इज ईदर बेसिक और न्यूट्रल, यानी कि वो जो सॉल्यूशन है वो या तो बेसिक है या न्यूट्रल है। बोथ टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज हैव नो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस। बेसिक सब्सटेंसेज और न्यूट्रल सब्सटेंसेज दोनों का ही ब्लू लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम 11th क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। 11th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं और इसके बाद हमसे ये पूछा गया है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और इन गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट हमें गिवन है स्टूडेंट्स, बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, कि जो एसिड और बेस होते हैं ये सभी इंडिकेटर्स का कलर चेंज कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे? देखिए यहां पर अगर हम टर्मरिक इंडिकेटर की बात करें तो टर्मरिक इंडिकेटर का जो कलर होता है वो येलो होता है। जब आप टर्मरिक इंडिकेटर को बेस के साथ ऐड करते हैं तो इससे टर्मरिक इंडिकेटर का जो येलो कलर है वो रेड में चेंज हो जाता है। लेकिन जब इसी टर्मरिक इंडिकेटर को आप एसिड के साथ टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो टर्मरिक इंडिकेटर का येलो कलर येलो ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड्स और बेस सभी इंडिकेटर्स के कलर को चेंज नहीं करते हैं। इसके बाद बी स्टेटमेंट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स, इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड, इट डज नॉट गिव अ चेंज विद अ बेस। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर किसी इंडिकेटर को एसिड के साथ टेस्ट किया जाए और उस इंडिकेटर का कलर अगर चेंज हो जाता है, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर उसी इंडिकेटर को हम बेस के साथ ऐड करते हैं तो उस इंडिकेटर के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। कैसे? यहां पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं चाइना रोज इंडिकेटर का। चाइना रोज इंडिकेटर का जो कलर होता है स्टूडेंट्स वो पिंक होता है, और जब इस चाइना रोज इंडिकेटर को हम एसिड के साथ टेस्ट करते हैं तो चाइना रोज इंडिकेटर का कलर डार्क पिंक में चेंज हो जाता है, जिसे मजेंटा कलर भी कहते हैं। यानी कि चाइना रोज इंडिकेटर एसिड के साथ ऐड होने पर अपना कलर चेंज करता है, लेकिन इसके बाद इन्होंने हमें क्या कहा है कि अगर यही इंडिकेटर हम बेस के साथ टेस्ट करें तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर चाइना रोज इंडिकेटर को अगर आप बेस के साथ टेस्ट करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करते हैं, तो इसी चाइना रोज इंडिकेटर का जो पिंक कलर है वो ग्रीन में चेंज हो जाता है। यानी ऐसे इंडिकेटर भी होते हैं जो एसिड के साथ भी कलर चेंज करते हैं और बेस के साथ भी कलर चेंज करते हैं। तो ये बी स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इसके बाद हम सी स्टेटमेंट देखते हैं,
इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद बेस, इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड। अब देखिए यहां पर हमसे ये कहा गया है कि अगर कोई इंडिकेटर बेस के साथ अपना कलर चेंज करता है तो वो एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करेगा। तो यहां पर भी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसमें भी हम चाइना रोज इंडिकेटर का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर चाइना रोज इंडिकेटर को बेस के साथ टेस्ट किया जाए तो चाइना रोज इंडिकेटर का जो पिंक कलर है वो ग्रीन में चेंज हो जाता है। यानी चाइना रोज इंडिकेटर बेस के साथ अपना कलर चेंज करता है। और जब इसी चाइना रोज इंडिकेटर को हम एसिड के साथ टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसी चाइना रोज इंडिकेटर का जो पिंक कलर है वो डार्क पिंक यानी मजेंटा कलर में चेंज हो जाता है। यानी चाइना रोज इंडिकेटर बेस के साथ ऐड होने पर भी अपना कलर चेंज करता है और एसिड के साथ ऐड होने पर भी कलर चेंज करता है। जबकि यहां हमसे ये कहा गया है कि जो इंडिकेटर है वो बेस के साथ अगर कलर चेंज करे तो एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब हम डी स्टेटमेंट देखेंगे स्टूडेंट्स। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि किसी भी इंडिकेटर को अगर हम एसिड के साथ टेस्ट करें या बेस के साथ टेस्ट करें तो इंडिकेटर के कलर में जो चेंज आता है वो डिपेंड करता है कि वो इंडिकेटर कौन से टाइप का है। यह हम आपको एग्जांपल से ये समझाते हैं कि मान लीजिए कि आपने रेड लिटमस पेपर लिया और अगर आप उसको टेस्ट करते हैं बेस के साथ, तो बेस सॉल्यूशन या बेसिक सब्सटेंस क्या करते हैं, ये रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देंगे ब्लू कलर में। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं एसिड के साथ, तो यहां पर ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा रेड में। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाइना रोज इंडिकेटर अगर आप लेते हैं और उसके साथ अगर आप एसिड को टेस्ट करते हैं तो चाइना रोज इंडिकेटर का जो पिंक कलर है वो डार्क पिंक में चेंज हो जाता है यानी मजेंटा कलर में। और अगर आप चाइना रोज इंडिकेटर को टेस्ट करते हैं बेसिक सॉल्यूशन के साथ तो चाइना रोज इंडिकेटर का जो पिंक कलर है वो चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में। और अगर आप टर्मरिक इंडिकेटर यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो टर्मरिक इंडिकेटर का कलर होता है येलो। अगर आप इसे बेसिक सॉल्यूशन के साथ ऐड करें तो टर्मरिक इंडिकेटर का जो येलो कलर है वो रेड में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप टर्मरिक इंडिकेटर को टेस्ट करते हैं एसिड सॉल्यूशन के साथ तो टर्मरिक इंडिकेटर के जो येलो कलर होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अलग अलग इंडिकेटर्स एसिड और बेस के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके से अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो डी स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि किसी भी इंडिकेटर के कलर में जो चेंज आता है एसिड या बेस के साथ ऐड करने पर वो डिपेंड करता है कि वो इंडिकेटर कौन से टाइप का है। तो यहां पर जो हमें ऑप्शन गिवन थे उसमें देखिए यहां पर चार ऑप्शन हमें गिवन थे, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है ऑल फोर कि क्या ये चारों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सही हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन था ए और डी कि सिर्फ ए स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट सही है। फिर तीसरे ऑप्शन में कहा गया था बी सी एंड डी, यानी कि बी सी और डी तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में हमसे कहा गया था ओनली डी। तो यहां पर हमने देखा स्टूडेंट्स कि सिर्फ डी ऑप्शन ही करेक्ट है, जो डी स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सही आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन ओनली डी। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।